हेलो दोस्तों, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये UP SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो इस वीडियो में दोस्तों ओनली 20 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है ना, और आने वाले समय में और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है वो है इनमें से सभी, ठीक है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है 2016 का UP SSC JEE का, तो ध्यान रखिएगा किसका है दोस्तों, UP SSC JEE का दोस्तों ये पेपर है, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ये प्रश्न दोस्तों UP SSC JEE के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इनमें से दोस्तों सभी, इनमें से दोस्तों सभी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर पूछा है इसमें, ठीक है। तो पेंटियम प्रो भी है, पेंटियम सेकंड भी है और पेंटियम सेकंड वर्ड भी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों PDP-8 जो है दोस्तों वो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था दोस्तों, PDP-8, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग होते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। एक ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण में लाता है। तो दोस्तों आप जानते हो CPU कौन सा लाता है, CPU। CPU दोस्तों इसको फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों सभी जो है वो सुपर कंप्यूटर है, ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन या मॉनिटर कैसा डिवाइस है। तो दोस्तों ये है, हार्ड कॉपी तो नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, इनपुट डिवाइसेस भी नहीं है। तो दोस्तों ये डिस्प्ले डिवाइसेस है, ये प्रश्न आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षा में। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये, तो आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है कंप्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनमें से एक आया है कि मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है। तो आप जानते हो दोस्तों मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों, EEPROM का नाम क्या है, पूरा नाम। तो दोस्तों EEPROM का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, मतलब सामान्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो MS Word होता है, MS Excel होता है, Photoshop होता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड दोस्तों एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पेरिफेरल कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है। भारत की निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको मिला था। तो सबसे पहले आप जानते हो नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों CV रमन जी को मिला था, उसके बाद मिला था मदर टेरेसा जी को, समाज सेवक, उसके बाद मिला दोस्तों अमृत सेन को, सॉरी उसके बाद मिला वेंकट रमन कृष्ण को। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों 3-5-2-1-4। ये क्वेश्चन UP SSC JEE ने पूछा है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। तो दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि जो थे वो दोस्तों रहीम खान थे। इन रहीम खान को ही दोस्तों खान खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी? खान खाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में, यह आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ये क्वेश्चन आया दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, यानी कि इंडिया लार्जेस्ट डैम, भाखड़ा नंगल डैम, रेहंद बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध। तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जब लंबा बांध हीराकुंड है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो दोस्तों है टिहरी बांध। टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी को पता है दोस्तों सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छिद्र बनाने हेतु जिम्मेदार है। तो आपको सभी को पता है दोस्तों ओजोन परत में छिद्र किसकी वजह से बनता है, सीएफसी, ठीक है ना। अगर इसकी देखी जाए तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। आज की वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न जो है वो है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, उसमें प्रश्नों की जो संख्या है उसका अधिक मात्रा होगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।